क्या आपने कभी घर के अंदर पतंग उड़ाया है? चलिए आज कुछ तूफानी करते हैं। हाय, मैं हूँ अदिति और आज हम ये पतंग को मैग्नेट की मदद से घर के अंदर उड़ाएंगे। तो हमारा ये मैग्नेटिक काइट बनाने के लिए हमें ये ईवा शीट का टुकड़ा, कुछ आइसक्रीम स्टिक्स, ये पेपर क्लिप्स, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, थोड़ा सा धागा, हमारी पतंग की कटआउट, ग्लू और ये कील चाहिए। ये कील, और आप अगर चाहे तो इस कील से एक छोटा सा इंसान भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम ईवा शीट के एक सिरे में कट लगाकर उसमें आइसक्रीम की स्टिक्स रख देंगे और दूसरे सिरे में हमारा ये इंसान को खड़ा कर देंगे। अब इस मैग्नेट को हम आइसक्रीम स्टिक के ऊपरी सिरे में चिपका देंगे। इसके बाद हम हमारे पतंग के अंदर एक यू पिन लगा के इसे भी अच्छे से चिपका देंगे। अब पतंग के पूंछ वाले भाग में हम एक रस्सी बांध देंगे। अगर हम ये पतंग को मैग्नेट के काफी करीब लेके जाते हैं तो ये ऐसे चिपक जाता है। अगर काफी दूर रखते हैं तो पतंग नीचे गिर जाता है। जब हम इस पतंग को मैग्नेट के काफी करीब रखते हैं तो हमें इस धागे की लंबाई को ऐसी रखनी है कि वो मैग्नेट को चिपके भी ना और नीचे भी ना गिरे। मैग्नेट पेपर को तो नहीं, लेकिन उसके अंदर लोहे के बने इस पेपर क्लिप को अट्रैक्ट करती है। तो इन दोनों के बीच का मैग्नेटिक फोर्स, काइट पे लग रहे ग्रेविटी और धागे की वजह से लग रहे टेंशन दोनों को बैलेंस करता है। इसलिए हमें मैग्नेट काफी स्ट्रॉन्ग चाहिए। इसके आप अलग अलग वेरिएशन भी कर सकते हैं। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, उड़ दबंग दबंग दबंग। थैंक यू।